मुंबई के सबसे पहले, इनफैक्ट इंडिया के सबसे पहले बीइंग ह्यूमन स्टोर में हूँ और मेरे साथ हैं सलमान खान. सलमान, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, बीइंग ह्यूमन का स्टोर है मुंबई में. ब्यूटीफुल, लवली. मुझसे ये सवाल काफ़ी अरसे से पूछा जा रहा था कि ये क्लोथिंग लाइन बीइंग ह्यूमन के कपड़े कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे. एक तो आप लोगों को बताया नहीं कि ये कपड़े लॉन्च हो चुके थे, जिस वी के कैसा रिस्पांस है. उसके पहले मिलान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह में लॉन्च, वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा था. फिर पूरा वो यूई पूरा बेल्ट वो कवर कर लिया, वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा था. तो अब वहाँ से अब यहाँ पर फ्लैगशिप स्टोर खोला है, तो वी डूइंग ऑल दिस स्टफ फॉर जस्ट द अवेयरनेस. एंड बाय 2015 विल बी इन अबाउट 850 सेलिंग पॉइंट्स. That's like huge. मतलब उसकी प्लानिंग करने के लिए आई थिंक आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन होना बहुत ज़रूरी. तो सलमान खान एज ए बिजनेसमैन कैसे हैं, कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक रखते हैं, क्या है कैसा? अगर आप इसका आंकड़ा लगा लो कि इसके पैसे आएंगे और वो पैसे जाएंगे चैरिटी के अंदर, तो बिजनेसमैन में कैसा हुआ आपको इसका? मगर इन्वेस्टमेंट लिए, क्योंकि आप स्टोर्स खोल रहे हैं, तो उस हिसाब से उस हिसाब से हमारे पार्टनर हैं जो जिनके आंकड़े दिमाग में बहुत तेज़ी से चलते हैं. मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था कि मैं उनको जितना दबा सकता था, दबोच सकता था, और वो भी दबने और दबोचने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो भी इस कॉज के अंदर बिलीव करते हैं. तो और वो अतुल के दोस्त हैं, तो एक फैमिली रिलेशनशिप रहा है बहुत अरसों से. तो वी जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस लाइक द बिगेस्ट ब्रांड, कि एक ऐसा ब्रांड आ जाए कि हम हमेशा बाहर के इम्पोर्टेड है. अभी तो बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेड है, इंडिया से कपड़े आए, इंडिया से बीइंग ह्यूमन आया है ब्रांड. ब्रांड हाँ, तो इट्स बेसिकली बीइंग इंडियन एंड यू नो मेकिंग अस प्राउड. स्टोर लॉन्च के लिए यू नो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके ऑफकोर्स सेलिब्रिटी पावर जो आपकी स्टार पावर है, उससे भी लोग आएंगे. आई थिंक 90% उससे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसको आप कितना यूज़ में लाने वाले हैं? आज तक तो लाए हैं, मगर और आपके कुछ क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कि सलमान खान के नाम से बीइंग ह्यूमन तो रहेगा ही, मगर सलमान खान के नाम से भी आपको मतलब ब्रांड को फ़ायदा हो? कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है. स्ट्रैटेजी आई मीन जब ऐसा कोई ट्राई करता है कि कोई स्ट्रैटेजी अपना है, वो स्ट्रैटेजी फेल होती है. तो इसमें काम अच्छा करो, काम बढ़िया करो, मेहनत से करो, लगन से करो, लोगों को पसंद आए, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं. ये बस इतना ख्याल रखो कि जो आगे वाला आया डिस्कस करने से या करने के लिए या पार्टनरशिप के अंदर या उस ब्रांड को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए, वहाँ पर उसको एकदम तगड़े से नेगोशिएट करो. वहाँ पर बेवकूफ़ ना बनो, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसलिए कोई डेकोरेशन नहीं दिया सर पे, और सोचने के लिए दिया है. और स्पेशली अगर आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, तो देन यू हैव टू बी यू नो 10 times more careful and you got to negotiate hard. Absolutely. और लड़कियों के लिए रेंज कब लॉन्च हो रही है? I believe the store is only for men right now. Right now नहीं, लेकिन क्या है फीमेल फैंस आपके स्टाइल पूरा चेंज हो गया आजकल. शिल्पा शेट्टी बॉयफ्रेंड जीन्स पहनती हैं, अभी उनके हस्बैंड की जीन्स पहनती है, राज की जीन्स पहनती हैं, तो जी हाँ, तो मेरी भी जीन्स पहन सकती हैं वो. तो सलमान खान अपनी जीन्स किसे गिफ्ट करना चाहेंगे? फिट भी आ जाएंगी मेरी जीन्स के अंदर, आई थिंक सभी लोग आ जाएंगे. जितने बीइंग ह्यूमन की जीन्स हैं, हम ही ने बनाए कपड़े हैं, और फिट भी है, ताकि यू नो दोनों को, लड़कों और लड़कियों को फिट हों. अब किसी के बॉयफ्रेंड, किसी का कोई ब्रदर जीन्स पहन सकता है, तो कोई यू नो फादर जीन्स पहन सकता है, और अब खुद नहीं पहनो तो फिर यू नो अपने बॉयफ्रेंड या ब्रदर को गिफ्ट करो. टी शर्ट्स स्मॉल साइज के ज़रूर पहन सकते हैं. बच्चे आजकल ढीली पैंट पहनते हैं, सभी आजकल वो ढीले ढाले वो एकदम कूल हिप हॉप काइंड ऑफ फैशन फॉलो कर रहे हैं. तो इफ़ यू कम हेयर, आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टफ. अगर नहीं कोई लड़की पहनना चाहती हैं, तो चप्पल भी हैं, टोपियाँ भी हैं. चप्पल मारने के लिए है कि मतलब? चप्पल मारने के लिए भी, अब पहनने के लिए भी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टोर. थैंक्स.